बट्टुकला समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के आगे अदुमपर रोड पर जल भराव होने के चलते यहां पर जन अधिकार मंच ने इस समस्या को हल करने की मांग उठाई। यहां पर इस तरह से जल इकट्ठा हो जाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने जाने वाले मरीजों व अन्य लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यह यहां भारी समस्या बनी हुई है, जिस पर जन अधिकार मंच के सदस्यों ने हमारे साथ बातचीत की। ये हमारा जो CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बट्टुकला, उसके मेन गेट के सामने जो है, अभी जो कल परसों जो बारिश आई तो पूरा पानी भरा पड़ा है, और इस वजह से जो आम कोई मरीज हैं, आम आदमी जो हॉस्पिटल में अपना इलाज के लिए आता है, तो उसको गुजरने की कोई जगह नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो है, क्योंकि आपको पता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोरोना वायरस है, जिसकी चपेट में चाइना और कई देश आए हैं, तो हमारे देश में भी जो है उस वायरस की एडवाइजरी जो है, हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि हॉस्पिटलों के अंदर साफ़ सफाई हो, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई है। लेकिन यहाँ तो मतलब ये है दिक्कत कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के मेन गेट है, उसके अंदर भी घुसने की जगह नहीं है, इससे मच्छर पनप रहे हैं, और ये सड़क जो उड्डा की है, इसके लिए समय समय पर जो है सिविल सोसाइटी ने, जन अधिकार मंच ने इसकी मांग भी की है, उठाई है आवाज़, लेकिन आज तक जो है ना, इसका कोई स्थायी प्रबंध नहीं हुआ। 2 या 4 सेंटीमीटर बारिश होती है तो पूरी मंडी भर जाती है और हॉस्पिटल के चारों तरफ पानी खड़ा हो जाता है। तो इस समस्या का निपटान जो है जिला प्रशासन जल्द से जल्द करें, और हमारा जो हॉस्पिटल है CHC जो नया अभी थोड़े दिन पहले बना था, काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी सुविधाएं यहाँ हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो 7 डॉक्टरों की पोस्ट है यहाँ, और उसमें CMO हैं डॉक्टर सुजाता बंसल, वो और एक डॉक्टर बिशु और एक लेडी डॉक्टर है जो अपने दांतों की डॉक्टर है, उसके अलावा 4 पोस्टें खाली है। पैरा जो मेडिकल स्टाफ है वो भी, या नर्सिज है, NM वगैरह, वो भी पूरी नहीं है। तो इन तमाम सुविधाओं के लिए हम जन अधिकार मंच की ओर से और आम नागरिकों की ओर से प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर, जहाँ पूरे देश के अंदर साफ सफाई के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, तो आज इस प्रकार की गंभीरतम बीमारियाँ, इस प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया जो फैल रहे हैं, तो इसके ऊपर तुरंत ध्यान दिया जाए और इस समस्या का अविलंब जो है इसका समाधान किया जाए। हम इसके बारे में जन अधिकार मंच की तरफ से एक बात ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट है कि भी ना, जो आम आदमी का जो इलाज करने की जो जगह है, जो CHC सरकारी है ना हॉस्पिटल है, उसके सामने अगर इतनी ज़्यादा गंदगी है, तो अगर वो गंदगी अगर नहीं मिटेगी तो आप सारा इलाके के अंदर ना कैसे मिटाएंगे, जबकि एक है ना छोटा सा स्थान है, उसके आगे भी है ना गंदगी के ढेर लगे हुए, पानी भरा रहता है, सीवरेज बंद रहती है। तो ये गंदगी का ढेर, पानी, ये सीवरेज की सही व्यवस्था हो और इस पानी की निकासी का कोई स्थायी समाधान हो, ताकि इन बीमारियों से है ना बचाया जा सके, इन बीमारियों का इलाज और मतलब इसका समाधान हो सके।